बहुत खुशी हुई कश्मीर आके। कितनी खुशी? बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ, कश्मीर में फर्स्ट टाइम आई हूँ। आज मस्त रिलैक्स फील हो रहा है। गुजरात में तो गर्मी थी। यस, गर्मी थी, इसीलिए यहाँ पर आए। और ऐसा लग रहा है कि इधर अब वन मंथ फर्स्ट टाइम विजिट। मजा आया आपको? बहुत स्वर्ग वाली फीलिंग आई आपको यहाँ पर? सही में आई आई स्वर्ग वाली फीलिंग। यहाँ पर कश्मीरी शॉल ले रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे शॉल भी ले रहे हैं। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि इनको प्रॉपर रेट दिया जा रहा है या महंगा दिया जा रहा है। मैम, आपको जो शॉल यहाँ पर आप लेने आ रहे हो, महंगा दे रहा है या नॉर्मल रेट में पड़ रहा है? नहीं, सही रेट है। नॉर्मल है ना? नॉर्मल। कोई लूट तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं। अच्छा है ना, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो आप? हाँ, फर्स्ट टाइम विजिट। मजा आया आपको? बहुत स्वर्ग वाली फीलिंग आई आपको यहाँ पर? सही में आई आई स्वर्ग वाली फीलिंग। सही। कुछ आपको कुछ खतरा महसूस हुआ यहाँ पर? नहीं नहीं, कोई भी खतरा नहीं है यहाँ पे। तो आपकी पसंद मिल रही है यहाँ पे? क्योंकि ऐसे पसंद हमने लिए ना, तीन शॉल लिए, दोस्त आप लिए। अच्छा, तो बातचीत अच्छी करते हैं ये? हाँ, सही सही तरीके से। वैसे तो कश्मीर के बारे में सुना था हमने कि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, स्वर्ग जैसा लगता है, स्विट्जरलैंड इंडिया का। पर यहाँ आके सचमुच में ऐसा फील हो रहा है। अभी देखो समर का माहौल है पूरे देश में, तब भी ऐसा एटमॉस्फेयर है, तो सोचो विंटर में कैसा होगा। बहुत ही अच्छा है, मतलब सुकून। मैं गुजरात से आया हूँ और ऐसा ही मानो कि अगर स्विट्जरलैंड देखना है ना इंडिया का, तो इधर आ जाओ, सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग। बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत मजा आएगा। स्वर्ग मिला आपको यहाँ पर? स्वर्ग मिलता है, पर मेरे हिसाब से केदारनाथ मेरे से ज्यादा स्वर्ग है वहाँ पे। अच्छा। तो इधर तो है ही, जन्नत तो है ही। मैम, आप कहाँ से आए? मैं भी गुजरात से आई हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहीं ठहर जाए। कब आए आप? हम दो दिन पहले आए हैं। हम जम्मू एयरपोर्ट पे उतरे थे और वहाँ से गए वैष्णो देवी। कल पूरा ट्रैकिंग किया वैष्णो देवी का और इधर आके पूरी थकान, आज मस्त रिलैक्स फील हो रहा है। गुजरात में तो गर्मी थी। यस, गर्मी थी, इसीलिए यहाँ पर आए। और ऐसा लग रहा है कि इधर अब वन मंथ ठहर जाए। क्या सोचा, क्या प्लान है अब? प्लान तो क्या है, अब बुकिंग करवाई है तो पूरा 10-12 दिन के बाद जाएगी। मैम, आप भी बताओ, आपको कितनी खुशी हुई कश्मीर आके? मुझे बहुत खुशी हुई कश्मीर आके। कितनी खुशी? बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ, कश्मीर में फर्स्ट टाइम आई हूँ। लेकिन गुजरात से? हाँ, मैं भी गुजरात से हूँ। हम लोग साथ में ही आए हैं पूरा ट्रिप। हाँ, एक ट्रिप, हम फैमिली मेंबर्स ही है। लेकिन बहुत यहाँ के बहुत मजा आ रहा है और इधर का एटमॉस्फेयर देख के ही पूरी थकान दूर हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में आ गए हैं और फिर यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। स्वर्ग वाली फीलिंग ली आपने? यस, ले ली अभी। अभी क्या प्लान है आप आगे? अभी यहाँ का पूरा मार्केट है वो घूमने का है और जो अच्छी अच्छी चीजें है वो कलेक्ट करके हमारे साथ लेके जाना है और मेमोरीज की तरह रखना है। जो गोला बारूद आप टीवी पे देखते हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर? हाँ, है ना। कहाँ पर? रील्स में भी देखते हैं ऐसा सब, मतलब जन्नत ही जन्नत है। गोला बारूद, बम बारूद? ना ना, वो अभी नहीं देखा। जो हम नेशनल मीडिया में देखते हैं? ना ना ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है लेकिन मैंने नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि मेरा दूसरा ही दिन है ना इधर, इसीलिए। लोगों को क्या रिकमेंड करोगे? लोगों को मैं यही रिक्वायरमेंट करूंगी कि यहाँ आए और एक बार लाइफ में एक बार यहाँ की विजिट करें और फिर अपनी लाइफ में लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाए कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बाहर मुल्कों में इंडिया की, जब खासकर कश्मीर की एक छवि खराब की जाती है, क्या ऐसा लगता आपको कि कश्मीर वैसा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ की पीपल भी कोऑपरेट करती है, अच्छी पीपल है और यहाँ की मिलिट्री वगैरह भी परफेक्ट चल रही है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। हाँ, कश्मीरी ज़ुबान कैसी है? बढ़िया है, सही है। हाँ, तो बोलो ना। यहाँ के लोकल पीपल भी अच्छे हैं। ये क्या पूछना? यहाँ आपने घूमा फिरा, कहाँ कहाँ गए घूमने आप? फिलहाल हम लोग ने पहलगाम वगैरह कम्प्लीट, गुलमर्ग सोनमर्ग भी कम्प्लीट करके आए हुए हैं। बेटर है, एटमोसफियर भी बेटर है। हम लोग लोकल गुजरात से, सूरत से, सूरत से भी होकर। गर्मी छोड़ के सर्दी में आ गए तो आना ही पड़ेगा ना, ये हमारी कंट्री का प्लेस है। हम लोग नहीं घूमेंगे कौन घूमेंगे? बिल्कुल, जो आपको आपका हक है। हाँ, होना भी चाहिए ना, सबका हक है। सबका हक है, बिल्कुल। हाँ बोलो।